हो जाइए तैयार और दो मिनट में जानिए बॉलीवुड इंडस्ट्री का हाल। डायरेक्टर नितेश तिवारी के डायरेक्शन में बन रही फिल्म रामायण में हुई सूर्पनखा के रूप में इस एक्ट्रेस की एंट्री। जी हाँ, डायरेक्टर नितेश तिवारी अपनी आने वाली फिल्म रामायण को लेकर काफी ज्यादा चर्चा में छाए हुए हैं और वहीं पर अब एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं। अब फिल्म में सूर्पनखा के रोल में एक्ट्रेस का नाम सामने आया है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि जहाँ पर जानवी कपूर हमें दिखाई देगी माता सीता के रूप में, तो वहीं सूर्पनखा के रोल के लिए रकुलप्रीत सिंह को कास्ट कर लिया गया है। अब इस खबर में कितनी सच्चाई है ये तो बताएगा आने वाला वक्त। आमिर खान की हो रही है फिर से वापसी, ये होगी उनकी अगली फिल्म। फिल्म लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर खान जो है किसी फिल्म का हिस्सा बनते हुए नहीं दिखाई दे। वहीं पर अब सितारे जमीन पर को लेकर खबर आ रही है कि वो इसमें दिखाई देंगे और ये फिल्म का फर्स्ट लुक भी बहुत जल्द किया जाएगा रिवील। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म को देखने के बाद फैंस कर रहे हैं तारीफ। जी हाँ, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया फिल्म हाल ही में रिलीज हुई है जिसमें हमें देखने को मिल रहे हैं शाहिद कपूर और कृति सैनन। अब ऐसे में इस फिल्म को काफी ज्यादा किया जा रहा है पसंद। मिथुन चक्रवर्ती को हुआ सीने में दर्द के बाद किया गया हॉस्पिटल में एडमिट। हाल ही में बड़ी खबर सामने आई है कि मिथुन चक्रवर्ती को सीने में दर्द उठ गया है और इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट भी किया गया, जिसके बाद से ही फैंस उन्हें लेकर काफी ज्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं और उनकी लंबी उम्र के लिए दुआ भी कर रहे हैं। वेल, आने वाले समय में हम भी चाहेंगे कि मिथुन जी बहुत जल्द घर वापस लौट कर आ जाए, वो भी स्वस्थ होकर। कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइए और कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब।